नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमोर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कर्ण रोगों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कर्ण का दर्द, कर्णशूल के बारे में। कान चूंकि मस्तिष्क के करीब रहता है, इसलिए यह जो दर्द है वो बहुत असहनीय होता है। ये शीतल या उष्ण दोष के कारण होता है, या कान में सूजन हो, कान में कोई तिनका चला गया हो, या कोई घाव पैदा हो गया हो, या फिर दांत सड़ गया हो। इन सब कारणों से दांत में दर्द होता है। नहाते समय कई बार पानी चला जाने से भी होता है। सर्दी या बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त चीज़ें खा लेने से, कफ प्रकृति बढ़ जाने से भी दर्द होता है, या फिर कान में पित्त या छोटे छोटे कृमि यदि पैदा हो जाते हैं तो भी दर्द होता है। यदि कान में इस तरह का दर्द हो रहा है, टीस उठ रही है, तो उसके लिए यदि सर्दी के कारण दर्द है तो कान की सिकाई कर लें या बफारा ले लें। आप सफ़ेद प्याज का रस या कड़वे बादाम का तेल 5-5 बूंद गुनगुना करके कान में टपकाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती है। यदि कान में वैक्स जम गया है, उसके कारण दर्द है, तो उसके लिए गर्म पानी की पिचकारी मारें और फिर आहिस्ता से सफाई कर लें। यदि सड़े हुए दांत के कारण दर्द उठ रहा है तो उसे तो निकलवाना ही पड़ेगा। नहाते समय यदि पानी चला गया है तो एक पुराना कॉटन कपड़ा लें और उसकी बत्ती बनाकर कान में डालकर उस पानी को सुखा लें। शीत के कारण यदि दर्द उठ रहा है तो 5 ग्राम लहसुन 20 ग्राम गाय के घी में भूनकर कान में टपकाएं। कान में यदि कीड़े पड़ गए हैं तो उसे दूर करने के लिए स्प्रीट में कैम्फर को पीस कर मिला लें और फिर 2-3 बूंद कान में टपकाएं। कान में यदि पानी भर गया है तो उसे निकालने के लिए कान को झुकाकर हथेली के द्वारा दबाएं और हल्का हल्का धक्का दें तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। जब आपको यह प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हल्का और सुपाच्य भोजन करें और ध्यान रखें कि ठंडे स्थानों पर ठंड से बचें और उड़द आलू गरिष्ठ चीज़ें खाने से बचें। इस तरह से आप अपनी तकलीफों को दूर रखेंगे तो निश्चित ही खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य ही आपको स्वस्थ रखना, तो हमारे इस मिशन में जुड़ें और आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे अगली कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आगे चाहेंगे। नमस्कार।